फ्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं पोहा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये पोहा मैं चना के साथ बनाने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए चना पोहा बहुत ही अच्छा डिश है और बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं। तो चना पोहा के लिए मैंने लिया है 2.5 कप पोहा, इस तरह से मोटी वाली लेंगे, और 1 कप फूले हुए चना। 8 से 9 घंटा तक चना को पानी में हम डालकर इस तरह से फुला लिए और पानी से निकाल लिए। और 1 प्याज इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 1 टमाटर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 5 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल का यूज़ किए हैं। फ्रेश हरा धनिया की पत्ती कटे हुए हैं। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हींग का यूज़ किए हैं। 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर है, मिर्च हम स्वाद के अनुसार लेंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर का यूज़ किए हैं। धनिया पाउडर इसमें हम 1/2 चम्मच लिए हैं। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है। 1/2 चम्मच इसमें साबुत जीरा है। 1/2 छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर है। फ्रेश करी लीफ का यूज़ किए हैं और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। 2 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज लेंगे और 1/2 नींबू का जूस हम लेंगे। गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रख देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 5 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे, और इसे अच्छा तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम करी पत्ता और हींग भी डाल देते हैं। करी पत्ता और हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर प्याज को नरम और हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। उसके बाद हम अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अदरक का पेस्ट को 30 सेकेंड तक हम भून लेंगे। बहुत जल्दी भून जाता है अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें चना डाल देंगे। चना को भी बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। अभी सूखे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और साथ के साथ टमाटर भी डाल देंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। सूखे मसाले जल्दी पक जाते हैं। इस तरह से सभी मसाले भून गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम चना को पकाने के लिए और थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा करने के लिए डाल रहे हैं। इस तरह से हम मिला लेंगे। नमक हम चना के मात्रा के अनुसार, हम स्वाद के अनुसार लेंगे। उसके बाद से अच्छे से मिला लेंगे हम, और ढक कर इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे, ग्रेवी जब तक गाढ़ा हो जाएगा। जब तक चना पक रहा तब तक हम पोहे को धो लेंगे। पोहे को हम 2 बार धोकर रख लेंगे, पानी से छान करके निकाल कर रख लेंगे। इस तरह से पानी से अलग कर लेंगे। उसके बाद हम पोहे में नमक डाल देंगे। पोहे में हम पोहे की मात्रा के अनुसार हम नमक डालेंगे। चने में हम नमक डाल चुके हैं और इस तरह से पोहे में मिला के रख लेंगे। अब चना बन करके तैयार है। ग्रेवी भी बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है और चना भी पक गया है। इस तरह से ग्रेवी गाढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद हम फ्रेश हरा धनिया की पत्ती डाल देंगे, इससे फ्लेवर इसका बहुत आएगा, अच्छा आएगा और टेस्टी लगता है हरी धनिया की पत्ती डालने से। उसके बाद हम इसमें पोहे डाल देंगे। पोहे को भी हम डालकर लगातार इसको मिलाते रहेंगे। पोहा और चना और मसाला अच्छा से मिल जाना चाहिए, तब तक हम इसे मिलाते रहेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पोहे के ऊपर थोड़ा सा हम प्याज डाल देंगे और धनिया की पत्ती थोड़ा डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम लेमन का जूस डाल देंगे। लेमन जूस डालने से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चना पोहा की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।